यूपी से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने महिलाओं को लेकर एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगल काल में हिंदू लड़कियों को हराम कहा जाता था प्रवेश में। अब सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी तब तक महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, किसी से छिपा नहीं है क्योंकि वह सरकार ही कसाई थी। मैं एक मूवी कोई देख रहा था बहुत दिन पहले, उसमें योद्धा अकबर, उसमें पहले के जमाने में बताते हैं जो हिंदू लड़कियां थी उनके लिए हरम बनाए जाते थे, जो मुगल का शासन काल था उस समय की बात है। और आप लोग जानते हैं जब प्रदेश में ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें थी उस समय भी महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार होता था, किसी से छुपा नहीं है मित्रों। उत्तर प्रदेश के दंगे और उत्तर प्रदेश में बेटियों के जो बलात्कार होते थे ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि वो सरकार कसाईयों की थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, मनचले और गुंडों को पुलिस ने गोली मारने का काम किया, उत्तर प्रदेश को भगाने का कार्य किया। ये आपके भाइयों की सरकार है, ये कसाईयों की सरकार नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। अब किसी की हिम्मत नहीं है कोई माँ बहन बेटी को छेड़ दे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रामायण में एक पंक्ति आती है कि जीवो भी न देह नदी भी न बारी, तैसे हूँ नाथ पुरुष भी न नारी। तो नारी के बिना, जैसे जीव के बिना देह अधूरा, पानी के बिना नदी अधूरी है, वैसे ही पुरुष भी नारी के बिना अधूरा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत